हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल की जो रिक्रूटमेंट निकल हुई है तो उसके बारे में हम फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन और एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी यूट्यूब चैनल। आज हम देखें एसएससी सीएचएसएल फुल रिक्रूटमेंट 2019। इसकी जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है आपकी वो है 3/12/2019 और लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10/1/2020। और लास्ट उसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन होगा वो टू टायर में होगा। फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा आपका 16/3/2020 से लेके 27/3/2020 के बीच में, और आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा टायर टू जो होगा 26/6/2020 को होगा। और उसके बाद जो आपकी वैकेंसी है वो है आपके तीन पोस्ट के लिए। जो वैकेंसी है आपकी उसमें आपको रिजर्वेशन भी है एससी एसटी और ओबीसी और इकोनॉमिकल बी सेक्शंस के लिए, और जो पर्सन डिसेबल हैं उनके लिए भी यहाँ पे आपको एज का रिलैक्सेशन है और फीस में भी रिलैक्सेशन है। और उसके बाद आपके पे स्केल है वो है लो डिवीज़न के लिए आपको लेवल 2 का रहेगा, और पोस्टल असिस्टेंट के लिए आपको लेवल 4 का रहेगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए लेवल 4 है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए ग्रेड 1 के लिए पे लेवल आपका 4 रहेगा। तो इस तरह से आपकी जो वैकेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी वैकेंसीज के बारे में। कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके लो डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए चाहिए वो आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और उसका डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए आप इन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब हम बात करते हैं एज की। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 27 ईयर, और आपका जो पर्सन बॉर्न होना चाहिए वो उसकी एज होनी चाहिए 1/1/2020 को 18 साल का होना चाहिए या 27 साल का होना चाहिए। उसके बाद आती है आपके पास एज रिलैक्सेशन जो एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी और पी डब्ल्यू डी ओ बी सी और पी डब्ल्यू डी एस सी एस टी एक्स सर्विस मैन के लिए है, और जो एस सी एस टी के लिए 5 ईयर है, ओ बी सी के लिए 3 ईयर, और पी डब्ल्यू डी अनरिजर्व के लिए 10 ईयर, और ओ बी सी के लिए 13 ईयर है, और एस सी और एस टी के लिए 15 साल है, और एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3 साल है, और जो कैंडिडेट जे एंड के से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल है, और जो डिफेंस में पर्सन डिसेबल हुआ उनके लिए 3 ईयर है, और जो डिफेंस पर्सन एस सी एस टी हैं जो डिसेबल उनके लिए 8 ईयर, और जो सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो अप टू 14 ईयर एज तक है इसको भर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो एस सी एस टी हैं वो 45 ईयर्स हैं, और जो विडो हैं उनके लिए 35 ईयर है एज, और जो एस सी एस टी विडो हैं उनके लिए 40 ईयर्स हैं। उसके लिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 10th क्लास। एप्लीकेशन फ़ी फॉर जर्नल्स है 100 रुपीज़, और वुमेंस और एस सी और एस टी के लिए कोई फीस। देखते हैं फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ssnic.in पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पे भर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने अपने फोटोग्राफ्स डालने हैं, अपनी फुल डिटेल डालने हैं, और उसके बाद अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स और सर्टिफिकेट पूरे अपलोड करने हैं। उसके बाद आप कि जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो इस तरह से आप अपने प्रोसेस को फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की जो कंप्यूटर बेस्ड होगा उसमें आपके सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस जो कि 25-25 मार्क्स के होंगे, और जिनके जो नंबर हैं वो 50 होंगे, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, और टाइम ऑफ ड्यूरेशन होगा आपका 60 मिनट एंड 80 मिनट फॉर जो पर्सन डिसेबल हैं, और आपको पेनल्टी है नेगेटिव मार्किंग 0.50 पेनल्टी है ईच रॉन्ग आंसर। आपका टायर टू जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जो कि आपने हैंड रिटन में लिखना होगा, जिसमें 33% आपको मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे, और उसके बाद होगा आपका टायर थ्री टेस्ट जो कि स्किल टेस्ट है, आपका टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद होगा आपका जो है स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, और टाइपिंग टेस्ट फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क और जे एस ए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो कि हिंदी और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होगी। मिनिमम जो आपको 35% मिनिमम वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे हिंदी, और 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में करने पड़ेंगे। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सी एच एस एल एग्जामिनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।